क्यों बे, जानता है तेरी पिटाई क्यों हो रही है? नहीं हाँ टीनो, हाँ क्या रे, तू लड़की को बहुत परेशान करता है हाँ? तुझे तो मैं छोडूंगा, इससे बात क्यों कर रहा है? जाने दे, हमें इसे छोड़ देना चाहिए। हमसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, लेकिन टीना से माफी मांगनी होगी। अरे उससे बाद में माफी मांग लेगा, लेकिन सजा तो तुझे मिलेगी। और तू हमें बिना बताए कहीं नहीं जा सकता। माफी मांग। पर मैं इंतजार नहीं कर सकता। क्या बात है? माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। क्या कहा? माफी मांग रहा हूँ। क्यों मांग रहा? तुम लोग यहाँ स्कूल में क्या करने के लिए आते हो? बटन बंद करो। क्या प्रॉब्लम है? मैं तुम लोगों से पूछ रहा हूँ, क्या हुआ? सर हम तो सिर्फ मजाक कर रहे थे। मजाक कर रहे थे? इस बार मैं तुम लोगों को छोड़ देता हूँ, आगे से मजाक किया तो ठीक नहीं होगा। सर हमें इन्हें एक मौका देना चाहिए, और आज हमें काफी काम भी तो है सर। टीना सोजेश तुम लोग क्लास में जाओ। चलो जाओ सब यहाँ से। हाँ तुम लोग रुको, इसके पहले जितने भी प्रिंसिपल थे मैं उनसे अलग हूँ। इधर आओ, वहाँ देखो ये तुमसे पहले आए थे। ओह सर आपने उन्हें अच्छी लाइफ दी होगी सर। शट अप, मुझे सब पता है, इसीलिए छोड़ रहा हूँ, क्योंकि तुम लोगों की ज्यादा कंप्लेन नहीं आई है, नहीं तो तुम लोगों को टीसी दे देता। This is the last warning. Go, get out. Okay, sir. Thank you, sir. एक मिनट रुको, कल सुबह तुम सब अपने पेरेंट्स को लेकर यहाँ पर आओगे, हाँ? अब जाओ। इतना बहुत हो गया ना? बहुत बढ़िया सर। क्या है? लास्ट वार्निंग दे रहा है, बाहर में जाए ऐसे प्रिंसिपल की तो। कुछ भी बकवास करता है। अबे फट्टू है, पहले आर्मी में था वो। पक्का उसे वहाँ से निकाल दिया गया होगा। ऐसा मत क्या, टीचर की रिस्पेक्ट करो। क्या कहा प्रिंसिपल सर ने? दिस इज द लास्ट वार्निंग, ऐसा कहा उसने। अच्छा और क्या कहा उन्होंने? माफी मांगने के लिए कहा। किससे माफी मांगने को कहा? माता पिता गुरु भगवान। लेकिन तू ये सब जान के क्या करेगी? जाना क्लास में, जाओ क्लास में। अबे तू कहाँ जा रहा है? इधर इधर आ। उसके साथ फ्लर्ट करने के लिए जा रहा है क्या? उससे बच्चों से माफी मंगवाने में शर्म नहीं आती क्या? हाँ, बताया यही कह रहा था। चल बहुत हो गया, क्लास में चलते हैं। हाँ, चल, चल। सर अरे वाह आ गए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मुझे उम्मीद है कि आज तुम लोगों को तुम्हारी टीसी मिल जाएगी। कैसा भाई? चिंता मत करो, टीसी दिलवाने में मदद करूंगा, तुम्हारे टीचर होने के नाते ये तो कर ही सकता हूँ। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। कल मैंने तुम सब बच्चों को 9वें चैप्टर की औद्योगिक क्रांति का असाइनमेंट करने को कहा था, लेकिन मुझे एक ही राइटिंग के दो असाइनमेंट मिले, जिनमें से एक टीना का है और दूसरा विशाल का। टीना क्या विशाल ने तुम्हारा असाइनमेंट लिखा है? क्योंकि मुझे पता है कि विशाल असाइनमेंट अच्छा लिखता है, तो मतलब तुमने ये असाइनमेंट नहीं लिखा है। तुम क्लास से जा सकती हो, कल अपने पेरेंट्स को लेके आना, चलो जाओ। और तुम्हें क्या लगता है विशाल, हाँ बोलो। हाँ सर, हाँ मैंने उसे लिखने के लिए फोर्स किया था। बहुत बढ़िया, टीना तुम बैठ जाओ, विशाल तुम क्लास से बाहर जाओ। मत तो देखो मुझे बाहर निकलने को। गेट आउट। ठीक से बात ही नहीं कर सकता, अच्छा किया सर ने जो उसे भगा दिया। साइलेंस। ए
सर सर एक मिनट रुकिए सर, मुझे भी बैठने दीजिए। चलिए। अरे कहाँ बैठ रहे हो, नीचे उतरो। ले चलिए ना सर प्लीज। पहले मुझे स्टार्ट तो करने दो। आप तो रोज ही चलाते हैं सर, मुझे आज चलाने दीजिए, मैं ले चलता हूँ अभी। हाँ हाँ आ रहा हूँ। अरे इसे क्या हो गया, स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है? स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है? क्या कहा आपने? ओ, आज स्टार्ट हो जाएगी, या मैं कुछ और देखूं। आप नीचे उतरिए। ठीक तो है। क्या हुआ, घर नहीं जाना है क्या? इधर उधर घूमते रहते हो, चलो जाओ। लगता है गाड़ी में कुछ गड़बड़ी हो गई है, स्टार्ट नहीं हो रही है। कोई बात नहीं, लेकिन मुझे तो लगता है कि कुछ बच्चों ने लुटापी के साथ ऐसा किया होगा। सर मुझे तो पक्का यकीन है कि कुछ बच्चों ने ऐसी शरारत की होगी। पता नहीं आज किसका मुंह देख के निकला था, गाड़ी को धक्का लगाना पड़ रहा है। अरे जरा जोर तो लगाओ। मैं पहले बाइक बाइक पर बैठकर नहीं जाता था, ऐसे ही जाता था, लेकिन बाइक पर बैठना मेरी मजबूरी हो गई क्योंकि मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम हो गई ना। अरे क्यों कोस रहे हो, ये मेरी बाइक है और तुम लिफ्ट ले रहे हो। लगता है गाड़ी में डीजल खत्म हो गया इसीलिए नहीं चल रही है। अच्छा इधर आओ, मैं समझाता हूँ। तुम बाइक को धक्का दे सकते हो, मुझे नहीं, इसलिए चुपचाप बाइक को धक्का दो। चलो दो धक्का, ढकेल के लेके आओ इसे। मैंने तुम्हें कितनी लिफ्ट दी, कुछ देर काम तो करो, ले क्या। इतनी दूर तक गाड़ी को धक्का लगाऊंगा तो मैं तो मर ही जाऊंगा। रोनी सर को परेशान करने का बहुत अच्छा आइडिया निकाला, सच में भाई कमाल का है, सच बता रहा हूँ। मेरे दिमाग में इस तरह का आइडिया नहीं आता यार। चल चल पागल है, अरे क्या है, चल चल चल। अरे मैं तो यहाँ पे नया नया खेल दिखाने के लिए हूँ, क्या बोलता है? है? मैंने सही कहा ना बिल्कुल। अरे जल्दी चल, जल्दी चल। अरे क्या टाइम लगाता है? क्या बात है भाई, तुम यहाँ पर अचानक आ गए, वो भी इतनी दूर से चलकर। प्रिंसिपल ने बुलाया तो आना ही पड़ेगा ना भाई। लेकिन बाकी बच्चों के माता पिता कहाँ हैं? वो अपने बच्चों से दूर ही रहना चाहते हैं। पता है वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो क्यों? क्योंकि उनके एक से ज्यादा बच्चे हैं और तुम्हें पता है मेरा तो एक ही बच्चा है। एक बच्चा है तब तो उसके लिए सब कुछ करना पड़ेगा। देखो उसे मुझ पर भरोसा है, है? मेरी शादी के कई सालों बाद तक मेरी कोई संतान नहीं थी तो मैंने बहुत प्रार्थना की और मेहनत के बाद वो बच्चा पैदा हुआ। दूसरा बच्चा तब पैदा करना चाहिए जब पहला बच्चा छोटा हो। अपने वो रोनी सर है ना, है? वो इन्हीं बच्चों से पीड़ित है। तुम्हारा मतलब क्या है? मेरा मतलब है ये बच्चे उन्हें बहुत परेशान करते हैं। वैसे थोड़ी बहुत गलती तो उनकी भी है, रोनी सर खुद भी अच्छे इंसान नहीं है। अच्छा। वो थोड़े रंगीन मिजाज के हैं और ये सारे बच्चे उनको परेशान करते रहते हैं। यही सारी बातें तो हैं। एक दिन तो हद ही हो गई, रोनी सर की बाइक का प्लग इन बच्चों ने निकाल दिया। लेकिन वो तो इंजन निकाल रहे थे ना। अच्छा चलो छोड़ो, देखो मुझे तो प्रिंसिपल से मिलने जाना है। प्रिंसिपल साहब भी बहुत अच्छे हैं, बहुत लाड़ प्यार से पाला क्योंकि इकलौती संतान है। आपके इकलौते बेटे को आपने संस्कार ठीक नहीं दिए हैं। अच्छा आप उसको सुधारने के लिए आए हैं या यहाँ उसको सपोर्ट करने के लिए आए हैं? सपोर्ट तो करेंगे ना सर, छोटा बच्चा जो है। आप बड़े बुद्धिमान हैं, ऐसे ही बच्चे को बिगाड़िए है? अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो आपका बच्चा आतंकवादी बनेगा। देखिए इस तरह से हम उसे बिल्कुल नहीं समझा सकते क्योंकि वो हर बात पर लड़ाई करता रहता है, इसलिए मैं हमेशा चुप रहता हूँ। यह आपके भविष्य के लिए अच्छा है। कुछ दिन पहले ही उनके फोन मैंने ले लिए हैं। फोन से वो लोग क्या करते थे आपको पता है? क्या करते हैं? हमारे रोनी सर और स्नेहा टीचर एक ही कॉलेज से पढ़े हैं। हाँ। इसीलिए वो लोग दोस्त हैं और आपस में खुलकर बातचीत करते रहते हैं। हाँ। और आपके बच्चे ने उनका मोबाइल से वीडियो बनाकर एडिट करके और थोड़ा मसाला उसमें डालकर रोनी सर की वाइफ को और स्नेहा टीचर के पति को मैसेज कर दिया। ये तो बहुत अच्छी बात है ना, किसी का परिवार तोड़ना अच्छी बात है क्या? आधी रात को इन लोगों ने मैसेज किया, वो भी 5 अलग अलग नंबर से। हमारे स्कूल का नाम खराब होने के डर से मैंने पुलिस को ये बात नहीं बताई, उनको पूछताछ के लिए बुलाया। तो परिवार समाज का आधार है बोलकर और पति पत्नी के बीच आपसी विश्वास परिवार की ताकत होती है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो उनका परिवार टूट जाएगा। उनकी भी समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियां हैं, ऐसा उन लोगों ने कहा। मैंने तो पहले ही कहा था वो हर बात से बच निकलता है,
इसलिए चुप रहना ही बेहतर है। हाँ, तो फिर आप जा सकते हैं, लेकिन सावधान रहिएगा, वो एटम बम की तरह है, हैं? उसके और भी कारनामे हैं। वो अपने फोन में कोर्स की चीजें नहीं, गंदी गंदी फिल्में और एक्शन फिल्में जैसे काली, काम सूत्र, प्यासी जवानी, घोस्ट, ये सब देखता है। उड़ो। आप कुंजन के पापा है ना? हाँ, तो आप तो यंग दिखते हैं। लेकिन मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। आपका नाम क्या है? कुंजन परमार। कुंजन के पापा कुंजन परमार। हाँ, मैं कुंजन का पिता हूँ, नाम है कुंजन परमार, लेकिन गलती से यहाँ पर आ गया हूँ। अच्छा, तो आप गलती से यहाँ आ गए हो? क्यों, मैं चाइनीज दिख रहा हूँ या नेपाली दिख रहा हूँ? क्या इन लोगों ने कभी कोई इंसान पहले नहीं देखा? अंकल, प्रॉब्लम क्या है? वो पूछ रही थी कि मैं कुंजन का पिता हूँ तो कुंजन परमार नाम कैसे हुआ। आपको खुद पर गर्व होना चाहिए अगर आपसे ऐसा कोई पूछता। अंकल, बहुत गर्व है, तुम्हारे प्रिंसिपल से मिलने के बाद पता चल गया मुझे। अंकल, आपको खुद पर गर्व होना चाहिए अगर कोई आपसे ऐसा पूछे। हाँ सर, इसने बिल्कुल सही बात कही है। अगर ऐसा है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं अंकल। अरे काय का भाग्यशाली, कोई किस्मत ले गया मेरी। सही बोला तुमने। स्प्रिंग के निचले हिस्से पर वेट हैंगर लगा होता है। स्प्रिंग को इलास्टिक मोड में लगा देते हैं उसको लोड करके। इन्होंने मेरी बाइक खराब कर दिया, इनसे पूछताछ करूं? हाँ, पूछे ना। देखो, साफ साफ बता दो कि मेरी बाइक से प्लग किसने निकाला था। प्लग? एक न एक दिन सबूत मिल ही जाएगा, फिर मैं उसे पकड़ लूंगा। कौन? एक काम कीजिए, मैं छोटी छोटी प्रॉब्लम में डाल दूंगा। हाँ ठीक है। टीचर जी, क्या आपको और चॉक की जरूरत है? वो है मेरे पास। रोनी सर, आपको चाहिए? नहीं चाहिए। ठीक है, जाता हूँ। अच्छा, मैं भी चलता हूँ। पिछले एग्जाम में कौन कौन फेल हुआ था बताओ तो जरा। प्रिंसिपल ने कहा है कि अगर कल के एग्जाम में कोई फेल होता है तो मॉडल एग्जाम में नहीं बैठेगा। अरे सुनो, एग्जाम की चिंता ना करो, इसे निकालने के लिए कोई ना कोई तरीका निकालो, क्योंकि मैं क्रिकेट देखे बिना नहीं रह सकता। भारत पाकिस्तान के बीच में कड़ा मुकाबला होने वाला है। अरे मुझे पता है, ये रोनी सर का आइडिया है, उनके पास दिमाग नहीं है। उनके पास है या नहीं ये मायने नहीं रखता, कुछ नया आइडिया खोजो यार। मैं ले कह रहा हूं, मुझे धक्का मार के तेरा भला नहीं होगा। अरे मैं भी तो यही कह रहा हूँ ना। अबे तुझे ऐसी बातें कहने की जरूरत नहीं है, अपने दिमाग से कोई आइडिया निकाल। आइडिया तू ही निकालेगा, निकालना भाई, निकालना। विष्णु, मस्का लगा रहा है? देखो, तुम लोग सब क्रिकेट देख सकते हो, मेरे पास एक आइडिया है। सच में यार? सच में? अरे मस्त है। क्या बात है। अबे बेवकूफ, कहाँ है तू? हम तुझे कब से कॉल कर रहे हैं, तू फोन क्यों उठा रहा है? अबे बोल ना। अबे बेवकूफ, फोन काट तू पहले, रख इसको। इसके किसी लुच्चे दोस्त का फोन था। अब चुपचाप टीवी देखना बंद कर और जाकर पढ़ाई कर, चल जा अंदर। तू जा। हाँ। जाना। क्या हुआ है जी, हुआ क्या है? अरे मेंढक है। गर्मी है कितनी। क्या हुआ, तुम कल ऑनलाइन नहीं आई? मैंने तुम्हारा कितना वेट किया। कल थोड़ा बिजी थी ना। मुझे नहीं लगता तुम डरती हो ना कि हमारी चैट तुम्हारे पति तक ना पहुंच जाए। मुझे कह रहे हो, मैं डरती हूँ? मैं बिल्कुल नहीं डरती। सच में? तुम अपनी पत्नी से डरते हो? हाँ, मैं अपनी पत्नी से डरता हूँ, लेकिन मुझे लगता है तुम ज्यादा ही डरती हो। मुझे किस बात का डर? मुझे तो बस मेढक से डर लगता है। मेढक? हाँ सच में। सच कह रही हो? कितनी अच्छी बातें करती है। क्या हुआ है तुझे? सोने से पहले आके खाना खा ले। हाँ अभी आता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि तू मुझसे कुछ छिपा रहा है। नहीं नहीं, कुछ नहीं। मैं तो बहुत टाइम से उसको देख रही हूँ, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जरा देखो इसको एक बार, बिल्ली की तरह बैठा हुआ है, अपने स्कूल में ऊधम करता रहता है, पूछो इससे। मुझे ऐसा लगता है कि वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है, इसलिए पहले ही पता लगाना पड़ेगा। आपको
खुद तो नींद आती नहीं है और अब उसकी परेशानी भी बढ़ा रहे हो। परेशानी बढ़ा नहीं रहा हूँ, घटा रहा हूँ। पिताजी मुझे आशीर्वाद दीजिए। बहुत बड़ी आशीर्वाद देता हूँ तेरे को अभी। अब तो इधर उधर देख भी नहीं सकता। टूट गई क्या ये? जाना पागल। अरे जाना। अच्छा हुआ। कौन हंस रहा है? ये क्या है बेटा, तुम्हारी माँ का गिफ्ट है या बाप ने दिया है? गिफ्ट तो जल्दी ही मैं दूंगा। नहीं कुछ नहीं, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। तुमने कंज्यूरिंग देखी? नहीं। hey, तुम्हें देखनी चाहिए थी। मुझे भी इंग्लिश मूवी पसंद है, सच में यार। इंग्लिश मूवी हाँ, हॉरर है वो। हॉरर है क्या? रुक रुक, क्या हुआ? पप्स की बात कर रहा है, क्या हुआ? अरे यार चलना तू भी क्या, अब मैं इसे दिखाता हूँ। टाइम कितना हुआ? अरे यार लंच का टाइम। लंच का टाइम, भूख भी बहुत लगी है यार। क्या लंच चले और क्या? आ गया पट्टा बांध के। तो हाँ, सही करते हैं कि प्लान क्या बनाना है। और भाई क्या हुआ कुंजन, गले में पट्टा क्यों बांधा है? प्लान क्या है भाई? कोई प्लान नहीं है, मेरे बेवकूफ बाप ने सब बिगाड़ दिया। तो प्लान फेल हो रहा है? अरे मैं जानता था तू ना पूरा का पूरा बेवकूफ है। तू ऐसा कैसे बोल सकता है, तू तो हमेशा इसके साथ रहता है। तू तो अपना मुंह बंद रख, समझा ना। वैसे तुझसे कुछ होने वाला नहीं है ना? क्या हो गया इसे? नहीं ओवर एक्टिंग कर रहा है ना। हाँ निकाल दे निकाल दे। ये तो कुछ नहीं है, बस पापा को परेशान करने के लिए मुझे। अच्छा सब लोग सुनो, हम सभी मूवी देखने चलते हैं। मूवी? क्योंकि प्लान तो फेल हो गया तो अगला प्लान बी करते हैं, क्या बोलते हो तुम लोग? कौन सा? हाँ कौन सा? वो कौन सा है मैं बोलूंगा नहीं, करके दिखाऊंगा। तो फिर आगे का क्या प्लान है बताओ? बता। ऐसे भी वो होशियार है और मेरा असिस्टेंट भी है, तुझे लात मारूंगा खींच के। असिस्टेंट बोलता है ये ले भाई अपना पकड़। हाँ यार अच्छा आइडिया है, हम करते हैं ना। करते हैं, टूट गई है बेचारे, उसे पहन ले। हो सकता है उसकी हाइट बढ़ जाए। हाँ ठीक, आज मैं इसे फेंक दूंगा, ठीक है। अरे आ गया आ गया आ गया। यार वो कब तक आएगा? वो आता ही होगा यार, टाइम तो हो ही गया है। अबे तुझे पता है कि वो कब तक आने वाला है? हे वो आ गया आ गया। अरे वो आ रहा है। हाँ तैयार है, आजा डाल इस पे। अबे मुझे भी दिखाओ ना, आराम से आराम से। हाँ ठीक से डाल, ठीक से ये ले। हे हम रखना, मर जाएगा। पैक कर, पैक कर, जल्दी कर। वो मुझे दे, दे ना मुझे दे। अरे देना, चल आजा, मर जा जा, साथ में जा साथ में जा। हाँ? दिख नहीं रहा है, अब क्या होगा? वो सब खत्म कर देगा और क्या। अरे मुन्ना भाई ये चाय है कि कॉफी है? नहीं नहीं सिर्फ चाय है। सच में? हाँ। अच्छा मैं एक बात आपको बताऊँ, आप ना चाय बहुत बढ़िया बनाते हैं, सच में। बस बस बहुत हो गया। अरे मैं सच कह रहा हूँ, तुम लोग मेरी फिर के लेने चले हो। मुन्ना भाई आपके कितने बच्चे हैं? वो लगभग 5-6 तो होंगे। मतलब आपकी शादी नहीं हुई? नहीं, कुंवारा हूँ। तुम बोलो क्या चाहते हो? अच्छा अच्छा गुस्सा मत करिए, हम जा रहे हैं। चल चल बेवकूफ। हाँ क्या हुआ? हो गया प्लान बी, अच्छे से किया ना। प्लान बी जरूर काम करेगा। प्लान बी पेट की सफाई, बाहर आ जाएगा। तो प्लान बी सक्सेस, एक के बाद वाला बी। अगर मुझे यहाँ कोई भी नकल करते हुए दिख गया तो उसकी कॉपी छीन के उसे क्लास के बाहर निकाल दूंगी। स्टाफ रूम से होके आती हूँ। काम हो गया, ये चल मुझे दिखा।
गलती से एक के पीछे एक लाइन लग गई है। भाग रहा है उसके पीछे। अपना प्लान भी काम आया ना। लगता है उन दोनों ने एक ही नाश्ता खा लिया। कल मूवी देखने चलना है? कल क्लास है, नहीं जा सकते। बिल्कुल नहीं। अरे जा सकते हैं यार। सुनो। क्या हुआ? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोलो। कोई बात नहीं, थोड़ी पर्सनल है। हाँ तो तुम मुझसे बोल सकती हो ना। तुम लोग यहाँ से निकलो, मुझे विष्णु को बतानी है बस। चल निकल यहाँ से। ठीक है भाई, तू भी जाना। वैसे क्या बात होगी? हमें क्या लेना देना? छोड़ ना। हाँ जाने दे, अभी चल यार। हाँ बोलो। वो लोग मेरा वेट कर रहे हैं, जल्दी बोलो। वो कुछ खास बात नहीं है, पर बात क्या है? वो दरअसल उन लड़कियों में से एक तुम्हें पसंद करती है। तो ये कहना था, मुझे लगा कोई बड़ी बात होगी। तुम्हें क्या लगता है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ? हाँ ठीक है, लेकिन अरे तू तो मेरे भाई जैसा है। वैसे तुझे क्या लगता है? वो सब छोड़ो, बताओ वो लड़की कौन है? ओ बड़ी जल्दी है जानने की। मैं बता दूंगी, पर पार्टी चाहिए। एक बार बता दो ना कौन है वो, प्लीज बता दो। पहले तुम मुझे पार्टी दोगे फिर बताऊंगी। अरे बता दो ना। नहीं ऐसा नहीं चलेगा। टीना, ए, टीना, अरे अरे रुको तो सही, एक मिनट, प्लीज बताओ तो। हाँ तो चलो मुद्दे की बात करते हैं। भाषण या लेखन में शब्दों का प्रयोग ऐसा होना चाहिए जो दूसरों को आकर्षित कर दे, यही कला है किसी को आकर्षित करना। इसे कहते हैं भाषण की कला, समझे? समझ में आया बच्चों? क्या कहते हैं इसे? भाषण में शब्दों का प्रयोग। हाँ तो मैं आप लोग से क्या कह रहा था कि जब भी हमें कोई लेखन लिखना है या कोई भाषण तैयार करना है, ठीक से बैठ, तो उसके लिए हमें शब्दों का सही प्रयोग करना चाहिए जिससे लोग उसकी ओर आकर्षित हो। अबे दिखाना। आप लोग की बात समझ में आ रही है? ये क्या है? कुछ भी यार। ये ले, ये ले। हाँ तो बच्चों, इंसान की भाषा में, ए, मैंने क्या कहा था? सादगी। हाँ सादगी, भाषा की सादगी होनी चाहिए। हाँ, भाषा, तभी भाषा सुनने लायक होती। हिंदी भाषा में है सादगी। ये कागज कैसा है? ये खड़े हो जाओ। तुम्हारा बाप होगा गधा। मैंने हंसने के लिए कहा क्या? ये किसने लिखा? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ किसने लिखा है ये? विष्णु। विष्णु, विष्णु ने लिखा। विष्णु सर खड़े हो जाओ। बेइज्जती करेगा पूरी क्लास के सामने। बैठो। ये तुमने लिखा है? शायद मैंने। पक्का नहीं? पक्का तो नहीं है लेकिन मैं समझ गया, तुमने ही लिखा है। गधा है तुम्हारा पिता। ये हिंदी तुम्हारी सही नहीं है। मैंने तो नहीं, हिंदी बिल्कुल सही नहीं है। तुम्हारे शब्द बिल्कुल अच्छे नहीं है। तुम कहो तुम्हारे पिता गधे हैं या फिर तुम्हारे पिता बकरी है, इसने हिंदी यहाँ गलत लिखी है। मुझे खुद अपने आप को दोष देना होगा क्योंकि मैं इन्हें हिंदी पढ़ा रहा हूँ। नहीं नहीं, मैंने नहीं पढ़ाया। वह हम बेवकूफ हैं जो उसकी बकवास सुनते हैं। हाँ यार सही कह रहा भाई। 10 बज गए हैं। बॉक्सिंग से डर गया होगा। अरे वाह क्या बात है। अरे देखना फिर से आ गई। क्या हुआ बताओ? ये टीना ने दिया है। तुम्हें कोई आइडिया है? नहीं चल रहा। चल चलते हैं। पता नहीं यार। हाँ विष्णु बोल, क्या हुआ? अरे सुने यार, कल टीना ने मुझे बुलाया था ना, वो किसी लड़की के बारे में बात कर रही थी। कौन हो सकती है यार? हाँ मुझे पता है। अरे यार तू भी बता देना यार प्लीज। ठीक है, वो सनी लियोनी है। अजी मेरा मूड डाइवर्ट मत कर, सुन दे। पागल है क्या ये?
अरे तेरे बाल सही हो जा, गर्दन सीधी रखना, नेल पेंट कितना अच्छा है ना, हां कल मार्केट से लेना आएगा, देख लेना। हां ठीक है, तू बता, तुम्हें भी चाहिए। अबे घुस ले इधर, क्या कर रहा तुम यार, अरे मेरे बोले साइलेंट, साइलेंट, तुम लोगों में अनुशासन नहीं है? हाँ, आज से तुम्हारी क्लास टीचर बदल जाएंगी। स्नेहा मैम को सरकारी टीचर की नौकरी मिल गई है। मुझे सब मालूम है कि तुम लोगों ने उनके साथ क्या किया था। लास्ट क्लास होने के कारण छोड़ रहा हूं। हाँ, अपने स्वभाव को बदलो। अगर ये बदला तो मैं भी सुधर जाऊंगा। क्या कहा? हाँ, क्या कहा बोलो ना। कुछ नहीं कहा। तुम कुछ कह भी नहीं सकते। अबे क्या बताऊं, कुछ नहीं, कुछ नहीं सर। हाँ, क्यों भाई, वो तुम्हारा बेटा है क्या? पागल है तू, मैं बच्चों को नोटिस देना चाहता हूँ। ओके ओके, दे दो। ओके। तुम पांचों के बारे में मैंने प्रिंसिपल से बात की है। तुम लोगों को प्रिंसिपल और टीचर की डिटेल लेने की आदत है। नई टीचर पर तुम्हारी कोई होशियारी नहीं चलेगी, ये टीचर बहुत चालाक है। मुझे तो बस यही बताना था। हाँ, ठीक है, अब मैं चलता हूँ। ये नया टीचर कैसा होगा, तुझे उनके बारे में कुछ आइडिया है क्या? वो तो बताना यार, तूने देखा है क्या उसे? अरे ये मैडम नहीं, आइटम है रे। Morning. Good morning, ma'am. Sit down. तो बच्चों, मेरा नाम एनी है, मैं तुम्हारी नई क्लास टीचर हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम कुंजन है। असली नाम विशाल। मुझे पता है कि इस क्लास में सभी का एक निकनेम है। जब मैं स्कूल में आई थी तब प्रिंसिपल सर ने मुझे आपकी क्लास के बारे में बहुत कुछ बताया है, तो मुझसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सिट डाउन। तो मंजू हो ना क्लास मॉनिटर, लेकिन अब से मंजू का काम कुंजन संभालेगा। I'm sorry, विशाल। तुम लोग यहाँ बैठे हो, मेरे ख्याल से तुम चारों विशाल के दोस्त हो। मुझे पता है तुम्हें स्कूल के सबसे अच्छे स्टूडेंट्स हो। तो चलो हम शुरू करते हैं। ओके। देखो ना, आते ही इसने हमारी बेइज्जती कर दी। यार सोचने का मौका भी नहीं दिया। अच्छा ये बता, टीचर ने इसे मॉनिटर बनने के लिए क्यों कहा? देख, वो अपने प्रिंसिपल द्वारा दी गई जानकारी में मेरी प्रतिभा से अवगत हो सकते हैं, इसलिए बस यही। यार कैसी बात कर रहा है, तुझे नहीं लगता कि स्नेहा टीचर इससे अच्छी थी? हे देखना, टीना जा रही है। टीना, टीना आ गई। विष्णु का क्या हुआ? वो दरअसल वो थोड़ी टेंशन में है, इसलिए शायद वो कल आएगी। ओ अच्छा, कल बताएगी। अरे इतना सोचो मत, मुझे पता है उसे कैसे खोजना है। ओके। कब खत्म होगा तेरा ये मैच? मुझे पारस्परम सीरियल देखना है। अभी भी तुम पारस्परम देखना चाहती हो? हम एक दूसरे से मिले थे तब से चल रहा है वो सीरियल। क्रिकेट के लिए तुम्हारा पागलपन खत्म हो गया है क्या? ये क्या है, कुश्ती? कुश्ती नहीं, बॉक्सिंग। कहीं ये सब सीखकर तुम्हारा प्लान किसी को परेशान करने का तो नहीं है? मैं पहले से सतर्क कर रहा हूँ। वो आपको तो परेशान नहीं कर रहा है ना? पढ़ाई के वक्त तुम्हारा ये पागलपन कहाँ चला जाता है बेटा? जब आप 10वीं कक्षा में थे तब क्या आपको ऐसा कहा जाता था? क्या बोल रहे हो? अब इतनी इज्जत तो काफी है ना आपके लिए। सबसे बड़ी बात तो आपने मेरी हेल्प नहीं की।
फिर भी रेस में पास हो गया तो फिर इज्जत क्यों दूं? तुमने परीक्षा पास कर लिए, अभी का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है बेटा। अब इतना भी उसके पीछे क्यों पड़े हुए हो? जाओ और जाकर कपड़े बदलो और खाना खाकर सो जाओ। जब सुबह उठाती हूँ ना तो उठते भी नहीं हो। तुम्हारी इस तरह की उलझुल बातों की वजह से इसने मेरी इज्जत करना कम कर दिया, पता है? बकवास करता है यार। मेरा यहाँ बैठना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हाँ अच्छी बात है, जाओ सो जाओ। दांत दर्द हो रहा है। कल का बॉक्सिंग का चस्का भी तक गया नहीं, कल का प्लेयर ऐसे ही लड़ रहा था। पापा को मैंने अच्छा सबक सिखाया कल। हम भी तेरे पापा को सबक सिखाना चाहते हैं, लेकिन अगली बार हमें भी करने का मौका देना। हाँ अरे क्या हुआ उसे? चल क्या हो गया मंजू? अरे मंजू क्या हुआ? क्या हुआ मंजू? मंजू क्या हो गया? मंजू मंजू चल जल्दी, हाँ हाँ चल चल मंजू 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 मंजू। मैम मंजू बेहोश हो गई, पता नहीं क्या हुआ उसे। ये अपनी क्लास टीचर को बताओ, मुझे अपनी क्लास लेनी है। चल के एक बार देखिए तो। हाँ उनके पास चलते हैं, चला जा। क्या हुआ, क्या बात है? मैम मंजू अचानक वहाँ पर गिर गई है। कहाँ पर? यही पास में ही। बस चलिए मैम। क्या हुआ उसे अचानक? मंजू 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 उठा उसे। हाँ उठा उठा, आराम से आराम से, चल ले चल से, ले चल उसे जल्दी। ललिता अंबिका अंतर्जनम साहित्य में अपनी महान प्रतिभा के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। उन्होंने अंधविश्वास और प्रथागत काल के समय ही इस दुनिया में प्रवेश कर लिया था और महान साहित्यकार बने। हाँ बोलो। और उनके देश भर में लगभग 25 साहित्य प्रकाशित हुए हैं। उनके लेखन में अग्नि साक्षी नाम का केवल एक उपन्यास है। उस उपन्यास को 1976 में वायलेट पुरस्कार भी मिला है। हम्म, 1976 में किस उपन्यास को वायलेट पुरस्कार मिला था बताओ? मैडम वो अबे बताना, अबे उठ जा, रो जा। विशाल अग्नि साक्षी बैठ जाओ क्लास में बैठ कर। अगर तुम लोगों को पढ़ाई नहीं करनी है तो यहाँ से बाहर जा सकते हो, गेट आउट। चल सॉरी। हाँ तो 1976 में उनके उपन्यास अग्नि साक्षी को वायलर पुरस्कार मिला था। वो एकमात्र लेखक थे जिन्हें सबसे पहले वायलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वो लोगों के बीच में बहुत विख्यात थे। उनकी लिखी हुई कविताएं और शैलियां लोगों को बहुत पसंद आती थी। अपने साहित्यों की वजह से उनका नाम देश के महान लेखकों में शामिल किया गया था। मैम एक मिनट, आप जरा अपने शूज देखिए ना। सॉरी हमने सोचा दूसरे बच्चे ये देख के आपका मजाक ना उड़ाए, इसलिए आपको बता दिया। हाँ इसीलिए मैम। टीचर आप उन्हें सुधारने की कोशिश कर रही हैं? हाँ ये अच्छी बात है, उन लड़कों को सुधारने के लिए टीचर ने उस कुंजन को क्लास का मॉनिटर बना दिया। ये लो। वो थोड़े शरारती जरूर हैं लेकिन सुधर जाएंगे आई एम श्योर। तुम्हें पता है कुछ, बच्चे बहुत परेशान करने वाले हैं, तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा कि वो लोग क्या चीज है। समझाओ जरा इन्हें। टीचर आप यहाँ नई आई हैं, आपको तब पता चलेगा जब आप उन्हें पूरी तरह जान जाएंगी। ये उन पांचों में से एक होना चाहिए। मुझे सब कुछ पता है, मुझे भी पता है। आज ये फैसला मैं करके ही रहूंगा। उनको पुलिस के हवाले ही करना होगा। पुलिस के हवाले नहीं, मुझे पता है उनके साथ क्या करना है। हाँ ठीक है। आजकल कविताओं का स्वरूप संस्कृति के रूप में अस्तित्व खोता हुआ जा रहा है पूरी तरह से। पुराने समय में शास्त्रों में पढ़ाया गया है कि शब्दों का प्रयोग अगर कोई मनुष्य ठीक से करे सर, तो वो अपनी सर, बातों को व्यक्त कर सकता है। हाँ आ जाइए।
सर अब आज फिर से किसी ने मेरी बाइक का प्लग निकाल दिया है, ऐसा रोज हो रहा है, एक बार पूछताछ करूं? हाँ पूछिए पूछिए। मेरी बाइक का प्लग निकालने वाला ऐसा कौन लड़का है जो इस क्लास में बैठा है? अगर प्रिंसिपल के रूम में नहीं जाना चाहते हो नहीं बता दो। चलो बताओ। सर ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। इन लोगों से पूछेंगे तो ये बताने वाले नहीं है सर, हमें इन लोगों का बैग चेक करना चाहिए। हाँ, बैग चेक करो। हाँ। मुझे तुम्हारा बैग देखने दो। क्या यार? इसमें तो नहीं है। चलो अपना बैग दो। मुझे अच्छी तरह से पता है प्लग तुम्हारे पास है। बैग इधर लाओ। मेरे बैग में कुछ नहीं है। मैं ढूंढ कर ही रहूंगा। इसमें तो होना चाहिए। ये लो, मेरा भी चेक कर लो। बैग इधर लाओ। लो। अरे देखो, ए, मेरी चॉकलेट मत चुरा लेना। इसमें छुपा कर रखा होगा। हाँ देख लो, देख लो। अंदर भी ठीक है, देख लेना। पलट के भी देख लो, पलट के देखो, देखो भी चेक कर लो। और कहीं है? फाड़ मत देना। जब है ही नहीं तो मिलेगा क्या? मिला क्या? हो गया? आप किसके पास होगा? अच्छे से चेक करो। बैग दिखाओ। तुम भी अपना बैग दिखाओ। लो बैग दिखाओ। हाँ हटाओ यहाँ से। अरे जरा ठीक से चेक करो। इसके बैग में होना चाहिए। सर ये देखिए, मैंने पहले ही पूछा था ना इसे किसने निकाला है। चलो उठो, बाकी की बात हम प्रिंसिपल के रूम में जाके करते हैं। चलो आ जाओ। सर वो प्लग मैंने उसके बैग में डाला था। उसने कुछ नहीं किया। ए झूठ मत बोल। सर ये प्लग मैंने निकाला था, मैं सच कह रहा हूँ सर। अरे अरे झूठ मत बोल सर, प्लग मैंने निकाला था। ये क्या बकवास है? तुम लोग एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे हो। नहीं सर, ये सब झूठ बोल रहे हैं सर। एक्चुअली सर की गाड़ी में से मैंने प्लग निकाला। एक काम करो, तुम सब जाओ। चलो जाओ। चल चलो आजा। चुपचाप चल यहाँ से, चोरी करता है। चलो जाओ जाओ। हाँ अगर हम संस्कृति की बात करें तो हमारी संस्कृति दिन पे दिन नष्ट हो रही है। हरिश्चंद्र एक ऐसे राजा थे जो सत्य के लिए हमेशा खड़े रहते थे। एक मोहनदास नाम के लड़के ने सारी रात आंसू बहाए। उस दिन उसने निश्चय किया कि वो राजा हरिश्चंद्र की तरह सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ेगा, हमेशा सच के लिए लड़ता रहेगा। और उसने जिंदगी भर ऐसा ही किया। वो लड़का और कोई नहीं, मोहनदास करमचंद गांधी थे। तो क्या कहते हैं सर इनके बारे में? तुम लोग आज क्लास में नहीं बैठोगे। तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाकर तुम लोगों को टीसी दे दूंगा। एक्सक्यूज मी सर। यस जी। श्रुति आपको कुछ बताना चाहती है। बोलो श्रुति। रोनी सर ने मुझसे कहा था कि प्लग कुंजन के बैग में डाल दो, और उन्होंने कहा कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वो मुझे फेल कर देंगे। तुम लोग अपनी क्लास में जाओ। क्लास में जाओ, क्लास में जाओ। तुम भी जाओ। मैं भी जाऊं? हाँ जाओ यहाँ से। ठीक है। तुम रुको रोनी, ये क्या फालतूगिरी करते रहते हो? वो सर तुम वो... एक टीचर होकर ऐसा करते हो? टीचर का मतलब क्या होता है पता है? विद्यार्थियों का गुरु कहा जाता है। बेचारे विद्यार्थियों को चोर बना रहे हो तुम, क्या मिलेगा इससे? सर दिस इज द लास्ट एंड फाइनल वार्निंग। अगर आगे से ऐसी शिकायत मिली तो मैं तुमको सस्पेंड कर दूंगा, समझ गए? जाओ यहां से। ए, सुनो सुनो, टेक दिस, गो गेट लॉस्ट। मैम रुकिए। मैडम ठीक है टीचर, मैं चलता हूं। ठीक है। क्या बात है मैडम? हम सभी आपको यहाँ थैंक यू बोलने के लिए आए हैं। आपने बहुत बड़ी प्रॉब्लम से हमें बचा लिया। थैंक यू मैडम, थैंक यू। एक टीचर होने के नाते मैं हर बच्चे के साथ वैसा ही करूंगी जैसा मैंने आज किया है। तुम सबको एक बात समझनी होगी कि यहाँ तुम अच्छे इंसान बनने के लिए आए हो, ना कि दूसरों से नफरत करने के लिए। यही तुम्हारी पढ़ने की सही उम्र है। अगर ऐसे ही रहोगे तो लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे।
अच्छा ये सब छोड़ो, ये तुम्हारा सेकेंड चांस है। ओके ओके मैम, थैंक यू। मुझे बहुत भूख लगी है यार, भूख तो मुझे भी लगी। देख देख कौन आ गई। स्पेशल क्लास तुम्हारे लिए ही रखी हुई है और तुम यहाँ पर बैठे हो। अरे यार, जब तुम्हें ये बात अच्छी तरह पता है तो क्यों पूछती हो हमसे? यहीं बैठना ठीक है, वैसे भी सर की क्लास बहुत बोरिंग है। अच्छे से पता है, अगर तुम उस क्लास में आते ना तो तुम उस लड़की को देख सकती थे। क्या बकवास कर रही हो, अपनी बकवास बंद करो। सच में आज वो लड़की क्लास में ही थी। क्या बात कर रही है? हाँ, मैं नहीं बताऊंगी। विष्णु बताना यार, सुनना प्लीज, बता देना प्लीज। तू उससे क्यों पूछ रहा है, वो तो हमारी क्लास में पढ़ती है ना। अरे उसे ढूंढने का मेरे पास एक मस्त आइडिया है। क्या है वो? ये उन्हें खिलाना। सुनना, मैं तुझे अच्छी तरह जानता हूँ। ये कह रहा है मुझे जानते हैं। तू मुझे ये सब बिना बात के नहीं देने वाला है। किसने पिटा तुम्हें? क्या हुआ भाई? किसने पिटा? कौन से स्कूल के वो लोग? किसी ने पिटा नहीं है, पिटा नहीं है किसी ने। अच्छा, ये जो नारंगी शर्ट वाला है ना, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये सामने वाला, ये हमारे क्लास में एक लड़की से बहुत प्यार करता है। लव मैटर, एक प्रेम करती है। सच कह रहे हो क्या? तुम लोग किसी से प्यार करते हो? अरे इस दुनिया में प्यार ही सबसे बड़ी चीज है। मैं तुम्हारे प्यार को शादी तक पहुंचाऊंगा। अरे मैं ये काम करूंगा। अरे अभी तो ये बच्चा है, अभी शादी नहीं कर सकता। अभी शादी नहीं कर सकता। मैं क्या करूं, लड़ता रहता है हमेशा। मैं भी यही सब बोलकर आज तक कुंवारा बैठा हूँ। मैं भी पहले यही बोला करता था। आपका मतलब क्या है? सुनो, जब मैं 10वीं में था मेरी भी एक गर्लफ्रेंड थी, उसका नाम था उमा। मैं भी उससे बहुत प्यार करता था। 10वीं क्लास में थी वो। लाओ, मेरा गला सूख रहा है भाई। भाई आप ऐसे पीते रहेंगे या कोई आइडिया भी बताएंगे? हाँ भाई, जल्दी कोई आइडिया बताइए ना। अबे क्या कर रहा है, जल्दी करना, फटाफट पिला भाई, बाद में जल्दी आइडिया आएगा। अरे रुक ना, एक और पी लीजिए। आ रहा, बताइए बताइए बताइए। अरे जरा सोचने तो दे। अरे आइडिया बताइए बताइए मेरे। अबे जल्दी बोलिए, आएगा, गिर जाएगा ये दिमाग में। उमा, भाड़ में। हेलो, उठिए सर। अरे भैया क्या यार? अरे भैया जी, तब से देख रहा हूँ इसे दारू पिला रहे और मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकाल रहे हैं। हमें क्या पता था ये गिर जाएंगे। अबे यार, ये तो मुसीबत बन गया है, ये हम लोग के लिए मुसीबत बन गया है। संभाल के, ये क्या किया आपने, मेरे कपड़े खराब कर दिए। मुझे तो लगा था कि इसके पास एक अच्छा आइडिया होगा। ये इसका दोस्त है ना, इसने कपड़े खराब कर दिए। नींद भी नहीं करनी चाहिए थी। पहले मेरी बात सुन। अरे मैंने जानबूझ के थोड़ी ना बोला। अरे लड़ाई बाद में करना, पहले इन्हें उठाओ, जल्दी करो। मुझे यार, मुझे गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आ रहा है। अपनी बकवास बंद कर, नहीं तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। तब से सुन रहा हूँ कि उम्र भी नहीं है, बाल भी सफेद नहीं है। देख तू मुझे जरा, तू पहले बैठ। हां ठीक है, बैठ बैठ। देख, अपनी प्रेमिका को खोजने का सिर्फ एक ही तरीका है, अपनी क्लास की हर लड़की की आंखों में ध्यान से देख ले तू। बस बस इतना ही करना है। मतलब क्या है बता दो ना। मैं
अगर तू अपनी प्रेमिका की आंखों में देखेगा तो उसकी आंखों में तेरे लिए प्यार दिखेगा तुझे, और तुझे फील करना है वो, तुझे एकदम पता चल जाएगा कि वो तुझे कुछ कहना चाहता है, और इसे ही तो कहते हैं एकदम सच्ची वाली मोहब्बत, समझा क्या? तुझे इतना भी पता नहीं है? अबे ये फिल्म है क्या? अरे रुक यार, कोशिश तो कर रहे हैं ना, कुछ ना कुछ हो जाएगा। अबे ये क्या बकवास कर रहा है, पागल है ये? अच्छा एक बात तो है, अगर हम इसकी बात माने तो एक अच्छा आइडिया बन सकता है। अच्छा लेकिन मेरा मतलब वो नहीं है जो तुम्हारा मतलब है, देखो समझे? अरे शर्मा गया बच्चा, क्यों रहा है? बस बस बहुत हो गया, तू भी अरे कोई पहले इन्हें तो उठाओ, मुसीबत को भगा। हेलो उठिए, हेलो उठिए, हेलो अंकल थोड़ा उठिए, अच्छा ताऊ हेलो, अबे कुछ और कर रहा है, क्या बता रहा है ये? अरे अबे बस्ती नहीं है तो पीता क्यों है ये? अरे देखना मंजू आ रही है, तू बस उसकी आंखों में देखते रहना, समझा? कितनी प्यारी है, अरे उसकी आंखों में आंखें डाल। मंजू कहाँ जा रही हो? क्लास जा रही हूँ। ठीक है जाओ, इसका कुछ नहीं होने वाला। यार इसको तो जरा भी फीलिंग नहीं है। अरे रुकना, ये ले जाकर दे दे उसको। टीना हाँ, कहाँ जा रही हो? क्लास में जा रही हूँ। क्लास जा रही हूँ, और तुम? मैं भी क्लास में जा रही हूँ। जो लगता है ये पागल हो गया है, अच्छे से पढ़ाई करना। कोई चेक करके बता पाएगा क्या वो लड़की कौन हो सकती है? देखते हैं क्या होता है। जुआरी कितनी अच्छी है वो, ये मेरे लिए नहीं कुछ के लिए। अरे जाना जाना जाना, देखना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज लेकर आई हूँ। इस सैटरडे को आप लोग ट्रिप पर जाने वाले हैं। सॉरी मैं ट्रिप पर नहीं आ रही। पर आप क्यों नहीं आ रही मैम? मंडे को मेरी एंगेजमेंट है। तुम सब लोग क्लास छोड़कर यहाँ क्यों घूम रहे हो? वो हम पिकनिक पे नहीं जा रहे हैं टीचर। पर क्यों? अगर आप नहीं जाएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे। हाँ हाँ मैम, मैंने एक बात तुम लोगों को नहीं बताई है, मेरी एंगेजमेंट मेरी फैमिली की सहमति से नहीं हो रही। मैं और राहुल क्लासमेट्स थे, हमेशा साथ रहते थे, 5 साल से एक दूसरे को पसंद करते थे, और हम दोनों का परिवार हमारे सख्त खिलाफ था। अलग अलग जाति, सोशल स्टेटस, पैसे, ऐसे बहुत सारे रीजंस थे। उन्होंने हमें बहुत टॉर्चर किया, लेकिन हमने भी उम्मीद नहीं छोड़ी। एक भी फैमिली मेंबर ने कभी हमारा सपोर्ट ही नहीं किया, पर हमारा प्यार हमारी हिम्मत है। आज तक मैंने उसे नहीं छोड़ा है, और राहुल ने भी हमेशा मेरा साथ दिया। अब बताओ तुम्हें क्या कहना है? वो आप सही है मैडम, लेकिन हमें आपका साथ चाहिए। हाँ बिल्कुल, आपका साथ चाहिए हमें, प्लीज मैम। मुझे कॉल करना है। ठीक है मैं आऊंगी।
लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम अपने फाइनल एग्जाम्स पास करोगे। पक्का पक्का हाँ, पास हो जाऊंगा मैं। ओके कौन देखने वाला है क्या? अरे अगर सूजिस को साथ लिया ना तो सब बिगड़ जाएगा। यार तूने दोस्ती कब किया? हे तू जानता है उसके पास DSLR है। हाँ सही कह रहा है। वाइल्ड फोटोग्राफी करते हैं। मजा आएगा। हाँ सही है सही है। हाँ यही करते हैं। तुम लोग तो मुझे जाना तुम्हें यार। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? क्या देख रहे हैं? वहाँ फोटो मत। फोन लेके नहीं जा रहा हूँ। मैं छोड़ दूँगा। नेटवर्क रहेगा ही नहीं। ये सब क्या है? टूर पे जा रहे हो? वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हो? वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हो? तू चलेगी? ए, हम घूमने जा रहे हैं यार, कम से कम आज तो झगड़ा मत करो। अच्छा ये बताओ आज मैं सुल्की को देख पाऊंगा? मैंने इतना बताया ना उसके बारे में, अब नहीं बताऊंगी। मजा आएगा। ठीक है। तुम्हें क्या लगता है मैं हर बार तुम्हें बताती रहूंगी? बस ये लास्ट टाइम बता रही हूँ मैं। आज वो भी हमारे साथ टूर पर आ रही है, तुम चाहो तो तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। तू हमें मत सिखा, हमें पता है हमें क्या करना है। तू अपना सड़ा हुआ मुँह बंद रख। चलो तुम चल 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 निकल यहां। तू निकल। अबे यार कैसे ढूंढेंगे हम उसे? अरे मेरे पास प्लान है ना। लेकिन कैसे? अरे अंदर तो चल। ए रहने ही दे, मैं खुद ढूंढ लूंगा। चलो यार चलो चलो चल चल अबे यार चल चल चल। अरे चल चल जल्दी चढ़ना। अरे आराम से चढ़ो। अरे ठीक आ रहा हूं। चढ़ रही हूं यार, धक्का मत दे। चलना गई। तुम सबका मूड क्यों खराब है? क्या हुआ तुम सबको? कुछ भी नहीं मैम। ट्रिप पर जाना अच्छा नहीं लग रहा क्या? हाँ मैम। तुम लोगों को तो इस ट्रिप को एंजॉय करना चाहिए, क्या कहते हो? यस मैम। चलो सब लोग एक्टिव हो जाओ। ओके मैम। कुंचन तुम्हें गाना गाना आता है? हाँ मैं गाता हूँ ना। ए मैं गाता हूँ ना। गाना? अबे गाएगा कैसे? गिटार। हाँ गा। अबे गाना भाग गाना गाना। हम निकले हैं दुनिया की सैर करने, हम निकले हैं दुनिया की सैर करने। चलो साथ में गाओ। अरे गाओ गाओ। अरे अरे मारकू रे। ले भाई क्या गा रहा है तू? अच्छा ठीक है मैम, फिर आप ही गाइए। हां मैम आप गाइए। हां हां ये जान प्लीज गाना ये मत दीजिए। मैं तुम सभी मेरे साथ गाओगे? हाँ हाँ चलेगा चलेगा। ओ तो मैं गाती हूँ। ओके यस मैम। ओके ठीक है शुरू करूँ? हाँ 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 ओके टीचर चलेगा। दिल का हर तार कहता है यार, मेरा अब प्यार दिल की पुकार तुम ही हो। मेरा अब प्यार दिल की पुकार तुम ही हो। अबे नीचे रख से। एग्जाम्स पास आ गए हैं, अपनी क्लास मिस मत करना। अगर पास हो गए तो मेरी तरफ से पार्टी पक्की। अगर फाइनल एग्जाम में पास नहीं हुए तो प्रॉब्लम हो जाएगी तुम लोगों को, तो अपनी तरफ से कोई कसर मत छोड़ना, समझ गए ना? मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा मैम। हाँ और तुम लोग? तू कोशिश करेगा? कोशिश करेगा। नहीं कर सकते हैं। बोलता मैडम, मैडम हमें अपना बर्थडे याद नहीं है इसलिए हम कभी नहीं मनाते। लेकिन आज आपने हमें एक अच्छा ट्रिप कराया मैडम, हम इसे कभी नहीं भूल सकते। थैंक्स। तुम सब बहुत अच्छे हो और मेरे फेवरेट स्टूडेंट्स भी हो। मैं जानती हूँ एक दिन तुम सब इस स्कूल का और अपने माँ बाप का नाम ऊंचा करोगे। तुम अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो सकते हो। मैं जल्दी वापस आऊंगी और तुम सबको एग्जाम्स में अच्छे नंबर लाने हैं। तुम सब बहुत अच्छा करोगे, मैं जानती हूँ।
देख मुझे तो पता है कि ये परीक्षा में ना ये क्लास की लड़कियाँ बाजी मार सकती हैं। हम तो हमेशा टॉप करते हैं। हाँ इस बार भी हम ही करेंगे। कृपया सब लोग ध्यान से सुनिए। विद्यालय के विद्यार्थियों और अध्यापकों, हम सब के लिए एक बहुत ही दुखद समाचार है। हमारे विद्यालय की एनी टीचर हमारे बीच नहीं रही। तो हाई स्कूल की टीचर मिस एनी की किसी ने हत्या कर दी है। पुलिस ने पुष्टि की है कि उनके सिर पर गंभीर रूप से घायल होने के निशान थे और बेरहमी से उनका बलात्कार किया गया था। आंतरिक रक्तस्राव के कारण उनकी मौत हो गई। पुलिस को शक है कि वहीं के स्थानीय निवासी शिवा का इसमें हाथ है। हेलो हेलो, तूने न्यूज़ देखी? हाँ यार, वही मैं भी देख रहा हूँ टीवी पे। अब हमें क्या करना चाहिए यार? कुछ तो करेंगे, सबको लेके आ जा जल्दी, वहीं हम लोग बात करेंगे। हाँ आता हूँ। चल जल्दी आ। उसने अच्छा नहीं किया, हमारी मैम को मार डाला। उसे हम छोड़ेंगे नहीं, उसे तो हम मौत डालेंगे। हाँ यार, उसे भी मारा जाना चाहिए, उसे भी पता चलना चाहिए कि दर्द क्या होता है। यार पुलिस उसकी तलाश कर रही है, तब तक देखते हैं ना। अब मैं कैसे समझाऊं तुम लोगों को? तुम्हें क्या लगता है उसे मारने के बाद तुम्हारे पास आएगा? अगर उसे मारना चाहते हो तो तुम्हें उसके पास जाना होगा, तभी उसे मार पाओगे। इसमें पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी, हम अकेले ही संभाल लेंगे। तो सब कुछ भूल जाए क्या? मैडम को नहीं भूल सकते, मुझे कोई डर नहीं है, मुझे तो बस उसे मारना है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा। तुम सही कह रहे हो, हमें उसके पास कुछ भी हो जाए जाना ही होगा। अगर तुम सबको मैडम से जरा भी प्यार होगा तो मेरे साथ आओगे। सुन, मैं भी साथ आऊंगा।
मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं भी तेरे साथ हूँ। मैं भी तेरे साथ आऊंगा। मैं भी हूँ। मैं भी तेरे साथ हूँ। यार टीवी में खबर आई है कि पुलिस ने उसे पकड़ लिया। अभी पता चला। किसी भी तरह वो पुलिस से छुटेगा नहीं। वो अकेला ही ये सब कुछ संभाल लेंगे। ए, टीचर के फेवरेट स्टूडेंट्स हम थे। तू उनके अंतिम शब्दों के बारे में कुछ सोचेगा? हाँ, हमें मन लगा के पढ़ना चाहिए। हम पढ़ेंगे भी। अच्छे नंबर के साथ हमें पास भी होना होगा। उनके लिए हमें अच्छे नंबर से पास होना होगा। उनको अच्छा लगेगा। कुछ भी हो जाए परीक्षा में पास होंगे हम। कलाकार और वास्तविकताएं, मानवता, उनके विचार, किताबें, वास्तुकला और कला और विचार, ये सब किससे संबंधित है? इन सब के बारे में इतिहास में अच्छे से बताया गया है। हाँ रशीद, पुनर्जागरण से तुम्हारा क्या आशय है? 16वीं शताब्दी में शास्त्रीय नृत्य के प्रभाव में यूरोपीय कला और साहित्य का आगमन हुआ था। वेरी गुड। थैंक यू सर। तो बच्चों, अगले हफ्ते मॉडल की परीक्षा होगी और तुम सब अच्छे से तैयारी करना, ठीक है? ओके सर। चलो अब। पकड़ी से विष्णु। आखिर क्या हुआ है तुम्हें? तुम उसे पसंद नहीं करते क्या? तुम उससे ठीक से बात क्यों नहीं कर रहे हो? hey, तुझे भी पता है मैं उसे पसंद करता हूँ, लेकिन अभी ये सही वक्त नहीं है। एग्जाम आने वाले हैं, हमें अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। मतलब? उससे बोलो पढ़ाई करे। समय आने पे मैं खुद मिलूंगा उससे। सुनना यार, मुझे नींद नहीं आ रही है। हाँ लेकिन मैं पढ़ रहा हूँ। यार मुझे बहुत टेंशन हो रही है, एग्जाम में लिखना कठिन है यार। अरे टेंशन मत ले, इसके बाद हम खूब एंजॉय करेंगे। ऑल द बेस्ट, मुझे और पढ़ाई करनी है। थैंक्स यार। चलो ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। मैं नहीं हूँगा। देख देख देख, क्या हुआ यार, कहीं मिल नहीं रहा है क्या? तुझे लगता है हम पास हो जाएंगे? चल चल चला जा। अरे ए, ए, अरे रुक ना। ए, ए, देख, अरे हम सब पास हो गए।
क्या हुआ? चलना सेलिब्रेट करेंगे। ओह, उन पांचों को A+ मिला है, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। सही कहा, इस मौके को देखने के लिए एनी टीचर आज हमारे बीच नहीं है। हाँ सही कहा, उनमें से पांच को A+ मिला है, मुझे तो कभी उम्मीद ही नहीं थी। इतना आश्चर्यजनक परिवर्तन, पहले वो एकदम बेकार बच्चे थे और अब देखो टॉप ग्रेड हासिल किया। ये श्रेय सिर्फ हमारी एनी टीचर को जाता है। वो स्वर्ग से देखती होंगी, तुम्हें खुशी होती होगी। कांग्रेचुलेशंस विष्णु, तुमने तो स्कूल में टॉप किया। सच में? थैंक यू। अब टॉपर बन गए हो तो मुझे भूल मत जाना तुम। अरे नहीं नहीं, चलता हूँ। ओके ओके, बाय बाय।
अब हर दम रारो। नमस्कार, बाबू थॉमस के इल्लीगल कारोबार की जांच के लिए विजिलेंस ने कदम उठाए हैं। बिरुमेदु हायर सेकेंडरी स्कूल में टीचर एनी की हत्या के मामले में दोषियों को पुलिस ने पकड़ लिया है। उन सभी दोषियों पे उनके अपराध साबित हो चुके हैं और कोर्ट ने सारे मामलों को देखते हुए उन्हें फांसी की सजा सुनाई है। और साथ ही साथ कोर्ट ने अपील की है मणि भाई, समाज में हो रहे अपराधों को। हां मणि भाई, खबर देखी आपने? क्यों भाई, तुम लोगों ने टीवी पर सुना ना, इस बात के लिए तो हमें जश्न मनाना चाहिए। तुम लोग कहां हो, जल्दी आ जाओ वही पुराने अड्डे पर। ठीक है, आ जाओ। अरे हमें वहां मैं रखता हूं। चलो चलो। क्या चाहिए तुमको? हाँ क्या है? अंडा करी और मीट मसाला। इसके अलावा कुछ? मछली फ्राई है। ठीक है, हाँ, ले आजा 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 आजा, बैठो बैठो। ए चल इधर बैठना। अबे जाना। अरे बैठना उधर। अच्छा बैठ जा। अरे सुन, इधर आ जल्दी। भाई जल्दी जल्दी थोड़ा आगे के बैठ जा। जल्दी तुम लोग जो भी खाना है ऑर्डर करो। अरे क्या हो यार, मनी भाई हमें पार्टी देने वाले। जो भी मांगे दो। चलो लेकर के दो अंडे का। दो अंडे का। तूने यहाँ पहले खाना खाया क्या? मैंने नहीं खाया। देखे विष्णु बहुत अच्छा। चलो गाते हैं। सुनो, आज करेंगे मजा हम सारे मिलके, आज करेंगे मजा हम सारे मिलके, मिलके आज करेंगे मजा हम सारे मिलके, मिलके 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 मनाएंगे जश्न, मनाएंगे जश्न हम सब मिलके, आज हम सब करेंगे मजा, आज हम मिलके आज करेंगे मजा हम सारे मिलके, मिलके 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 मनाएंगे जश्न, मनाएंगे जश्न हम सब मिलके, जश्न मनाएंगे, जश्न मनाएंगे हम सब मिलके, मनाएंगे मजा हम सब मिलके, हम सब मिलके आज करेंगे मजा हम सारे मिलके, एक साथ मिलके आज करेंगे मजा हम सारे मिलके, मिलके 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 मनाएंगे जश्न, मनाएंगे जश्न हम सब मिलके, आज सारे यहाँ। क्या हो गया? मुझे रोकेगा? यार न्यूज देखते ही मैं तो हैरान हो गया था। सुनना यार, एक बात हम लोग भूल ही गए हैं यार। वो हम लोग जिस लड़की को ढूंढ रहे थे ना, मुझे लगता है वो लड़की भामा है यार। भामा? हाँ, तू भामा को जानता है ना? जानता है ना? हाँ हाँ, वही है। हे दिखना, भामा आ रही है। हाँ? भामा। अबे वो मुझे ही देख रही है। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है आज वो मुझसे अपने प्यार का इजहार कर देगी। यार मैं ही जाके कर दूं क्या? हाँ जा, 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 पक्का जाओ। जा, पता नहीं बोल पाएगा कि नहीं। भामा वो दरअसल क्या हुआ बताना? क्या हुआ? इसने हमारी मैडम को मारा है। उस कमीने की जमानत पर कोर्ट विचार कर रहा है। तू चल मेरे साथ। विष्णु यार, अपील अभी भेजी गई है, फैसला कल होगा। तुम टेंशन मत लो यार, अगर केस कोर्ट में जाता है तो उसको सजा तो जरूर से जरूर मिलेगी, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। लेकिन विष्णु तुझे उसे बोल देना चाहिए, उसे तुझसे बहुत उम्मीदें हैं। यार उस वक्त मैं बहुत टेंशन में था, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। देख, अरे तुम लोग टेंशन मत लो यार, परसों हमारा लास्ट एग्जाम है।
मुझे वैसे ही पढ़ाई करनी है। तुम सब अच्छे से पढ़ते हो, तुम्हारी टीचर बहुत खुश हो रही होगी। तुम सभी अच्छे से पढ़ाई करो तो परीक्षा जरूर पास करोगे, ठीक है? बाकी की चीजें संभाली जा सकती है। मैं हूं ना तुम्हारे साथ और हमेशा रहूंगा। आज लास्ट डे है, कम से कम मुझे आज तो बता दो। सॉल्व कर सकते हैं क्या? सर दो तीन, अरे हाँ सर, वो एग्जाम तुम्हारे पेपर्स कैसे हुए? हाँ सर, सब अच्छे हुए। अच्छे हुए, तो अब तुम लोगों ने प्लस टू कंप्लीट कर लिया, हमें भूल मत जाना। हाँ ठीक है, टीचर होने के नाते हम लोगों को पढ़ाते हैं, लेकिन हाँ ठीक, सच कहूँ तो तुम लोगों से हमने बहुत कुछ सीखा है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। तुम सबको भी। रोनी सर, रोनी सर, रोनी सर, ये देखिए एनी टीचर की हत्या करने वाला जेल से भाग गया। अब पुलिस और कोर्ट का कोई लेना देना नहीं, अब हमारी बारी है, चलो उसको मार देते हैं। अरे चलो मेरे साथ, चल तू गाड़ी निकाल। हेलो जी, कहिए। अब मैं क्या कहूँ इसके बारे में, मैं तो तभी समझ गई थी जब वो अपने कपड़े पैक कर रहा था। विष्णु की माँ का जस्ट अभी अभी फोन आया था मुझे। हाँ सभी लोग जा रहे हैं क्योंकि अब उनका एग्जाम भी हो चुका है, अभी ये हमारी कहाँ सुनने वाले हैं, हम कुछ नहीं कर सकते।
हाँ माँ सब ठीक है, मैं बाद में कॉल करता हूँ। माँ मैं करता हूँ ना कॉल। यार हम लोग यहाँ पर भी आके कुछ नहीं कर सके, बस टाइम वेस्ट किया है। ए तुझे यहाँ रहने के लिए हम में से किसी ने नहीं कहा, तुझे जाना है तो जाना। यहाँ पर सब अपने आप आए हैं, इसलिए ज्यादा बोल मत। अबे ये क्या क्या बकवास कर रहे हो, जाना कहना चाहता है कि हम यहाँ पर टाइम पास कर रहे हैं क्या? हाँ टाइम पास कर रहे हैं। अरे यार बात को पलट बोल रहा है ये। चुप रहो, डरो मत। अच्छा चल एक बात तू बता मुझे, ये कह रहा है कि हम यहाँ पर टाइम पास कर रहे हैं, तू बता मड़ी कहाँ पर है, कहाँ पर है, क्या कर रहे? हम सब हमेशा उसके आइडियाज पर चलते हैं, लेकिन हमारी भी तो कोई प्लानिंग होनी चाहिए ना। अच्छा फिर बता वो यहाँ क्यों आया था? अरे हम हमेशा उसके आइडियाज पे चलते हैं, हमारी कोई अपनी प्लानिंग ही नहीं है। चल तू बता इसका दोस्त कहाँ पर है, कहाँ पर है वो? क्या बोल रहा तू? सबको पता है कि ये अपने पर्सनल काम के लिए यहाँ नहीं आया है, यार हमारी मदद करने आया है। कहाँ पर है वो बताना, कहाँ गया, कहाँ पर है बोल। चिल्ला मत, तू मुझसे बात ही मत कर, तू इससे पूछना कि कहीं पर है, हाथ मत लगा मुझे। चुप कर तू, तू बात तो करने दे। अरे रुक यार, बात पे करने दे मुझे। उसे पकड़ना इतना आसान नहीं है, समझ गया कि नहीं तू? हां तुम्हारा मतलब है हमें मैडम के लिए कुछ नहीं करना है? बोलो नहीं करना है ना, नहीं करना है ना, बोलो। अबे ये कर क्या रहे हो, मेरी बात सुन पहले। अबे चुप रहो, शांत हो जा यार। ऐसा क्यों कर रहा है यार, शांत रहो यार। अरे अबे ये मालूम, अब तुझे समझ आ रहा है ना कि इसकी टीचर पर बुरी नजर थी, समझ गया तू? अब क्या बोला, क्या बोला? हाँ क्या बोला तूने? अबे मैं की फिक्र नहीं है, क्या बोला तूने? बोल छोड़, तेरा मुंह छोड़ नहीं है, तू रुक जा, अगर ऐसा छोड़ इसको, छोड़ मुझे, छोड़ इसकी मत कर, बोल क्या, छोड़ यार, देख तुझे छोड़ दूंगा मैं, हट कर दूंगा मैं, आराम से बैठ जा, इससे बंदा मत ले यहां पे, देख मैं छोड़ जा, छोड़ मुझे। ए तू इधर आना मत, इधर ठीक है? ए जा रहा हूं मुझे, तुम लोग की हेल्प नहीं चाहिए। कहाँ जा रहा है, अबे पागल हो गया क्या? चलो अबे यार रुक जाओ, सब शांत हो जाओ, चुप एकदम चुप यार, कोई कुछ नहीं बोलेगा। मैं कह रहा हूँ यार, देख मैं सबकी सुलह कराने की कोशिश कर रहा हूँ यार, प्लीज ऐसा मत करो यार, प्लीज मेरी बात मानो यार, ऐसा नहीं चलेगा। हम यहाँ सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमें विश्वास है कि हमारी ये टीम कभी नहीं टूटने वाली। लेकिन तू, तुझे समझाना ही बेवकूफी है यार। यार तू जाना यार, तू जाना यार, ये छोड़ना यार, क्या बोल रहा है तू? हाँ कुछ भी, चलना यार चल, सब साथ में मिलते हैं, बैठ। तुझे पता है ना हमारा उनके साथ कैसा रिलेशन था? क्या उसने पहले बोला था, उसने कैसे बोला मुझे? एकदम चुप, कहा मैम के लिए नहीं आया तू? उसकी हिम्मत कैसे हुई बोलने की? बोल पहले इसे समझा। तो इतना बड़ा क्यों रहा है तू? तुझे पता नहीं है क्या? तू चुप नहीं रह सकता, तू चुप हो जाना यार, तू ही चुप हो जा। अबे तू एकदम चुप, मैंने कहा ना चुप हो जा, मैं चुप करा इसे, चुप क्या, मैंने कहा ना चुप होने को तो चुप हो जा, तू भी चुप रहना यार प्लीज, पागल हो गए हैं सब। मुझे सब दोबारा नहीं सुनना है, चलो सो जाओ। चल यार वो बैग हटाना भाई, लाइट ऑफ कर, चल सोते हैं, चलना यार। छे हम आपस में क्यों लड़े जा रहे हैं यार, समझ में नहीं आ रहा यार। बेकार में सबने मिलकर झगड़ा किया तो हमें उन्हें बताना चाहिए। देख फोन आ रहा है, मनी भाई का फोन आ रहा है, ठीक है उठाना। हाँ मणि भाई, सॉरी मैं पहुँच नहीं पाया, पुलिस ने मुझे पकड़ लिया था, उन्होंने मेरे बाल और दाढ़ी दोनों काट दिए, इसीलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आ पाया। चलो अच्छा है फिर तो। हाँ मैं आ रहा हूँ, तुम लोग संभल कर रहना। क्यों? जिस आदमी की हम लोग तलाश कर रहे हैं ना, उस आदमी की यहाँ पर बहुत सारे गिरोह है, वो यहाँ पर डांस बार चलाता है, उसके लोग ये सारे धंधे को मैनेज करते हैं। हाँ एक बात और, कलियूर में उसका एक सीक्रेट हाउस है, वो रोज वहाँ जाता था, तुम उसे वहाँ पकड़ सकते हो। फोन मत काटना, मुझे एक और जरूरी बात बतानी है। पुलिस का एक दस्ता बिना वर्दी के उसकी तलाश कर रहा है, लेकिन वो बंदूकों के साथ पूरी तैयारी से लैस है, इसीलिए वो कभी भी उसे हमसे पहले पकड़ सकते हैं। ठीक है? क्या कहा? चल चल बताता हूँ। अरे बताना क्या कहा? आना। ए ये वही है, तो वही है, पकड़ो उसे, पकड़। ए रुक जा। ए रुक जा। ए रुक रुक जा। हाँ चल 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 चल
मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, भले आज वो मेरे हाथों से बच के निकल गया। लेकिन वो कब तक भागेगा, हम उसे पकड़ के ही रहेंगे। माफ कर दे यार। सॉरी यार। छोड़ ना यार। कोई बात नहीं। कुछ पता चला उसका? हाँ, मैंने उस कमीने को देखा, हमने उसका पीछा भी किया, मिल जाता तो मार देता। अब हमारा पहला काम ये होगा कि वो कहाँ रहता ये पता करना है। चल जल्दी कर। तो चलते हैं ना। चल 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 चल। ऐसा लगता है थोड़ी देर चुप रहना चाहिए। हाँ, हाँ यार, बिल्कुल सही कह रहे हो तू। चुप हो जाओ। हाँ, चुप हो जाओ। आराम से करके। ये और इधर जा रहा है ये तो। अब लोग चुप लेकर ले बैठे। सर, ये वाली फोटो दिखाइए। हाँ, इस आदमी को जानते हो क्या? नहीं, मैं नहीं जानता। तुम श्योर हो? क्या बोलो? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ सुनो, ये जगह हमारे कंट्रोल में होनी चाहिए। श्योर सर। तुम यही रुको, मैं अभी आता हूँ। ये और तो फिर से आ रहा है। तुम उसे नहीं जानते हो ना? उस कमीने को सब पता है, उसकी डिटेल ले लो। ठीक है सर।
बोलो भाई। कोई मेरा पीछा कर रहा है, मुझे उन पर शक हो रहा है भाई। आप होशियार रहना भाई। कौन है वो? मुथु कहाँ है? आई भाई, आई मुथु, आई भाई, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। कौन हूं मैं? हाँ, मैंने ही तेरी टीचर को मारा। वो मेरे खिलाफ हुए, इसने उसके सर एक पत्थर से फोड़ दिया। मेरे रेप करने से पहले तो वो मर चुकी थी। मैं नहीं चाहता था कि वो इतनी जल्दी मर जाए। जानता है क्यों? क्योंकि तुम्हारी टीचर कमाल की खूबसूरत थी। Yeah!
इससे पहले ही किसी ने मार डाला। सर ये मरा नहीं है। चलो फिर इसे मार दे। हाँ सर। हाँ चलो। ओके सर।